दानी वो तो झांसी वाली रानी। जिन खेतों में पहले अनाज उगाया जाता था वहां अफीम की खेती हो रही है और लाभ तो केवल इन फिरंगियों को मिल रहा है और आपकी प्रजा को मिल रहा है केवल दुख। आप दोनों चुप क्यों हैं? हम जो सुन रहे हैं क्या वो सच है? हम आपसे भी पूछ रहे हैं वाहिनी साहेब। क्या हम आपकी चुप्पी को सहमति समझे? क्या सच में व्यापार के नाम पर आप लोगों ने हमारे विश्वास का व्यापार किया है? Yes, Your Majesty. हम इन 11 गांव में अफीम की खेती कर रहे हैं। धोखे का खेल चरम पर चूका निशाना कह गिरा हम पर। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको चीट किया। तो ये सच हमसे क्यों छुपा कर रखा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, माने या ना माने, हम आपके लिए लॉयल थे और हमेशा ही रहेंगे। और आखिरी सांस तक दोस्ती निभाएंगे। धोखे से अफीम उगाकर दोस्ती निभा रहे हैं आप? हाँ, उगाया अफीम, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों। बिकॉज इट इज अ कैश क्रॉप जो झांसी के ट्रेजर को सपोर्ट करेगा। सेकेंडली, वी आर यूजिंग दैट ओपियम फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। वाह रॉस साहेब, क्या दाव फेंका है। यस योर मैजेस्टी, हम केवल झांसी नहीं, हम पूरे इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। एज वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग गुड क्वालिटी मेडिसिन टू इंडिया, imagine the wonders it can do for the soldiers who lay down their lives for your protection. Aur sirf afim nahi, as we are growing ashwagandha, bhrungraj, satwari, drut kumari, giloy and other health related herbs which will benefit the common people. Aur hame इतना नोबल काम करने के बाद हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, और यहां एलिगेशंस लगाए जा रहा है। दिस इज वेरी सैड एंड पेनफुल महाराज। आप जिस सच्चाई की बात कर रही थी उसका पूरा सच सुन लिया आपने। आज केवल आपके इस अधूरे सच के कारण हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है गवर्नर जनरल और हमारे अंग्रेज मित्रों के सामने। हम जानते हैं कि कमान से निकले हुए तीर और जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते, फिर भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। योर मैजेस्टी, और आपसे भी वही नहीं साहेब,
गलती को सुधारने के लिए हम पूरे सम्मान के साथ वो 11 गांव आपको वापस देते हैं। That's very gracious, Your Majesty. अपने हमारी बात समझी। कैसे नहीं समझते? आखिर ये व्यापार हमारी झांसी और हमारी प्रजा के हित में। The Governor General needs to be informed soon. पोलो मैच की हार को आधी जीत में तो बदल दिया है, और पूरी जीत उस दिन होगी जिस दिन वो और 11 विलेजेस मिल जाएंगे। हम आपको कैसे बताएं महाराज, इन पर विश्वास करके कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं आप। बस बहुत हो गया। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति होती है स्त्री, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक स्त्री हैं। बेहतर यही होगा कि आप राजनीति दावपेच और हमारे राज्य और देश के मसलों में ना पड़े। एक स्त्री की सही जगह रसोई घर में है, आज दरबार में नहीं। और याद रखिए कि हमने आपको केवल अपनी रानी के लिए चुना है। और आज जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए हम सोचने पर विवश हो गए हैं कि आप झांसी की महारानी बनने के योग्य हैं भी या नहीं। योर एक्सीलेंसी, आई होप हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड नाउ आई'd लाइक टू टेक योर लीव। योर एक्सीलेंसी। महाराज, आज का दिन बड़ा तनाव में गुजरा है, हमें भी आज्ञा दीजिए और आप संयम रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बड़ी आशा थी हमें आपसे महाराज, पर आपने तो हमारी सारी आशाओं को निराशा में ही बदल दिया। अगर प्रेम किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो आदर और विश्वास उस रिश्ते की बुनियाद, और बिना बुनियाद के तो कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का ही क्यों ना हो। आज आपने हमें हमारी सही जगह दिखाई थी। आपने चाहे हमें सिर्फ रानी के लिए चुना हो, पर हमने स्वयं को झांसी के लिए चुना है।
चलिए 100 रुपए की बाजी लगाते हैं हम इस बात की कि कल दोपहर तक उस लड़की को ना ही हम और ना ही आप बल्कि स्वयं महाराज झांसी से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। नो 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 योर एक्सीलेंसी दैट्स टू लेट व्हाई विल ही वेट टिल दोपहर टॉस साहिब इतना भी नहीं समझे आप हमारे महाराज की सुबह ही दोपहर में शुरू होती है इतनी अच्छी नींद जो आती है अफीम का शरबत पीकर अच्छी नींद हाँ अच्छी बुरी का तो क्वेश्चन ही नहीं है रानी साहब जब तक वो बदतमीज लड़की को महाराज झांसी से बाहर नहीं फेंकेंगे I bet 200 rupees. तब तक उन्हें नींद ही नहीं आएगी और अगर ऐसे नहीं हुआ तो वो मैं वो क्या कहते हैं आपके देश में सर मुंडवा कर समथिंग गधे की सवारी हाँ मैं एक गधे की सवारी करूंगा Cheers, Jack. Cheers. This is for the unceremonious exit of the would-be queen of Jhansi, who never become the queen. कैसे बताएं महाराज इन पर विश्वास करके कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं आप आपको लगता है कि आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया ही अच्छी होगी देखिए ना आपका शत्रु आपके इतना निकट है और आपको दिखाई नहीं दे रहा दिखाई दे भी तो कैसे वो कहते हैं ना कोई भी वस्तु अगर आपके आंखों के बहुत निकट हो तो धुंधली दिखाई देने लग रही है हमारे आजोबा कहते हैं एक झूठा मित्र 100 शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक होता है कौन है आप आपका साहस कैसे हुआ हमसे इस प्रकार बात करने का क्या चाहती हैं हमसे और आपकी बातें हमें रमा की याद क्यों दिलाती हैं वो कहते हैं ना अगर कोई वस्तु कोई भी वस्तु अगर आपके आंखों के बहुत निकट हो तो धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है एक छोटा मित्र 100 शत्रुओं से भी 100 शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक होता है बाबा कंबल
बाबा ठंड लग रही है, कंबल उड़ा दो ना।